अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो भाई आज सीन ये है कि आज है संडे और सुबह सुबह कप्तान ने हमें उठा दिया है, 12 बज रहे और हमारे पास कॉल आई है कि भाई मेरे टूर्नामेंट का मैच है, बंदे नहीं है, आप लोग आ सकते हो। कप्तान कौन है सबसे पहले बता दो, कप्तान वो है जिन्होंने हमें अच्छी क्रिकेट खिलवाई है, नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खिलवाई है। 9 मैट्रिक में था तब वो मुझे दूसरे एरियो में इंट्रोड्यूस करवाते तो अच्छा परफॉर्म होता था, वहां से फैन फॉलोइंग बनती थी, वहां से लोग जानते थे, तो वो है कप्तान जिनका नाम है रफाकत। भाई ये जो कप्तान है इन्होंने बड़े प्लेयर्स को बनाया है, एक वक्त था मैं, अहमद, उस्मान, बासित भाई और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो साथ खेला करते थे, और अरसलान भाई हो गए सेक्टर 10 के, और ये भी एक बहुत सॉलिड साइड होती थी एक वक्त में। लेकिन अब हालात चेंज हो गए, सब अपनी अपनी टीम में बट गए। उन्होंने मुझे और बुलाया और बोला कि मुतब्बिर को भी लेकर आओ, और फिर मैंने बोला जब हम दो जा रहे तो फात को भी ले आते, क्योंकि अभी बज रहा है 12 और हमें 4 बजे तक जाना है 10 स्पॉट पे, हमारा अपना इंडोर का टूर्नामेंट भी है। तो हमने बोला वहाँ से जाते हैं, वहाँ से जाके वहाँ टूर्नामेंट खेलने चले जाएंगे। टूर्नामेंट पता नहीं किस लीग पे है, पता नहीं टूर्नामेंट कितने का है, लेकिन कप्तान बोला टूर्नामेंट बहुत तगड़ा है तो मैं दिखाने में भी मजा आएगा, अगर वीडियो बनानी हो तो बना लेना। तो मैंने बोला कंटेंट जब कभी कभार सुपर सैटरडे या सुपर संडे या सुपर फ्राइडे लग रहा हो तो हम 2 व्लॉग डाल सकते हैं, तो ये वाले व्लॉग वहाँ पे काम आएंगे। और जब टूर्नामेंट बड़ा है ना तो मजा आएगा, प्रमोट भी अच्छे होंगे लड़के, लोकल टैलेंट प्रमोट होगा, स्टार प्लेयर वहाँ अलाउ नहीं होता, लेकिन तगड़ा टैलेंट आपको देखने को मिलेगा। शायद 3 या 4 हज़ार वहाँ की एंट्री है, और विनिंग की बात करें तो 15 या 16 हज़ार रुपये विनिंग है। अभी चलते हैं, बाबू और फाहद बाहर आ गए, बाइक पे बैठते ग्राउंड में चलते हो, देखते हैं क्या सीन है। भाई गेट खोलते के साथ ही तब तुम लोग की शक्लें दिखती हैं। अम्मी आप देख के गेट खोला करें ना, गैर यार कोई भी आ जाए। अच्छा अपने बच्चे, मैं सो गया, मुझे पता नहीं है ये तो बच्चा ही, ये कौन है अंकल? अंकल भी ये वही है बेटा, अंकल फिट हो गए हैं रात, ये वही है जो हमें 4 फाइनल जितवा चुके रात में, बाबू एक और फाइनल जितवा दिए हैं। यार बाबू कप्तान ने हमें इतनी जल्दी क्यों उठा दिया, कह रहे बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 136 ओवर का मैच। कप्तान ने बोला बेटा अगर प्लेयर बनना है तो आपको धूप खानी पड़ेगी, धूप। कप्तान है कौन, तेरा इंट्रोड्यूस तो करवाओ यार। कप्तान वो है जिन्होंने हम लोग क्रिकेट खिलाई है, लोग जानते होंगे, लोग जानते हैं बिल्कुल, रफाकत उनका नाम है, रफाकत भाई और कप्तान। चले भी चले, ज्यादा लेट हो रहे हैं हम लोग। चल ये भाई हम लोग ग्राउंड में आ चुके हैं और बाबू हमारे साथ है। बाबू क्या सीन है यहाँ पे? भाई कोई 2.5 घंटे हो गए बैठे हैं ये मिट्टी में, अब जाके मैच आया हमारा। ये आपके बराबर में जो एक खूबसूरत शख्स खड़ा है, इसका कोई किस्सा सुना है, बहुत बड़ा कैसा बॉलर था ये अपने दौर में, माशाल्लाह शादी हुई और आदमी को बुलाना भूल गया। चल बेटा तू व्लॉग से कट, ये रीसेंट किस्सा है। पेनल्टी पड़ेगी जुनैद भाई, 15,000 रुपए की पेनल्टी आपको जायज है भाई, तुम बोलो 50 लाख कप्तान की एंट्री करवाओ इसे, एंट्री करवाओ कप्तान, हमारा मैच है इंशाल्लाह। अभी मैच स्टार्ट हो रहा है, टॉस हो गया, क्या हुआ टॉस में, क्या हुआ इलेक्टेड टू आई डोंट नो, आसरा होगा, अभी बताएंगे क्या करना है। अहमद गुड्डू क्या कहते हैं आप, क्या टूर्नामेंट है, क्या एंट्री है, लोगों को बताएं। टूर्नामेंट तो है तकरीबन 10 टीमों का टूर्नामेंट है, 3,000 एंट्री है, 18,000 विनर है और 3-4,000 रुपए रनर है। सही है, मुझे कितने मिलेंगे आपके मेरे ख्याल से, अगर आप जीत जाते हैं, नहीं अगर मैं नहीं भी जीता तो आपको चाय पिला देंगे। ये 150 ये यहाँ पे टेप चढ़ रहा है, ये बहुत यहाँ रखी है। टीम बता, हमारी टीम बैलेंस है, बैलेंस है तराजू पे तो है बैलेंस। ये कहाँ से लेकर आ गए आप, बातें कर रहे थे फहद, मेरी जिद मेरी यार, मेरा प्यार मेरा लव यू फहद, फहद आज बॉलिंग कर रहे हैं। फहद का कोई मशहूर किस्सा सुना है? फहद का मशहूर किस्सा रात का ही है, क्या रात में, क्या 4 बजे उसने किया ना केला खजूर लगा था, ये रात के 4 बजे उसने केला खजूर पिया है, उसके बाद जो उसने लग जाना बॉल किया है, हाय 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 मजा आ गया। भाई अभी हमारी पहली बैटिंग है और आई थिंक 4 ओवर की क्रिकेट है, कोशिश ये करेंगे ग्राउंड में रन लगते हैं, 80 रन 85 रन मारें और एटलीस्ट 70 पे भी मैच ऑन है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 20 के ओवर से हम लोग खेलें। बाकी एक तरफ से मैं जा रहा हूँ, एक तरफ से शायद अहमद गुड्डू है, बाकी टीम न्यू है, ज़्यादातर पता नहीं है कौन किस उस पर खेलेगा, बॉलर भी अभी न्यू ही है, फिर 3-4 ही लड़के जानने वाले हैं, बाकी देखते क्या। भाई राउंड का पहला मैच हमारा स्टार्ट हो गया और फंसी स्ट्राइक पे हैं अदीब रनिंग एंड पे, क्योंकि लेफ्टी का एरिया छोटा है इसलिए हमने लेफ्टी को भेजा ओपन, अहमद वरना आता है ओपन, फैजी जो है वो बॉलर हैं, पहला ओवर करेंगे, 4 ओवर का मैच है। दानिश है, दानिश बैठे भाई, तू बस अदीब बस बैठ जा अभी,
पहला बॉल रनअप पे तैयार है फैजी। ये खड़ी कर दी फसी ने और ये गई बाहर। दो रन पहली बॉल पे, दो रन बने। टॉप एज लगा था। हाँ फाद है। एक बॉल दो रन पहले ओवर का। दूसरा बॉल फैजी करेंगे फसी को। गुड शॉट। और ये छः क्या है? चार है, छः चार है, चार हो गया भाई। दो बॉलों पे आ गए छः रन, दो पे आ गए छः। तीसरा बॉल फैजी करेंगे। फैजी स्लोगन बड़ी अच्छी करते हैं। ये विकेट पे लेग स्टंप पे लगा था बॉल, सिंगल बना है। आज कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? यार चार ओपनर ग्राउंड से, ये बाउंड्री छोटी है, चार में 80 बना रन बनते हैं बहुत पिच। हाँ, रन तो बनते हैं यहाँ, पिच बहुत बड़ा, चार में 80 बनाओ। हाँ बन जाएंगे चार। तो बस अभी लास्ट मैच में चार के बनाओ, तीन में चेज हो। आगे बस आगे। तीन बॉलों पे आ गए 7 रन। अदील अपना दिन का पहला बॉल खेलेगा। फैजी बॉलिंग पे है। चौथा बॉल है पहले ओवर का। गुड शॉट, ये हो गया छः बाहर। बहुत आला। चार पे आ गए 13। पांचवा बॉल पहले ओवर का। खड़ी हो गई और ये ड्रॉप हो गया तीर का कैच। 13 और 2 15, 5 15। वो बॉल बड़ी भी है। रन तो अच्छे आ गए, सही है, रन अच्छे आ गए। अदील एक और लेगा, 21 हो जाएंगे। शाबाश। एक छक्का लेता है तो 20-21 का एवरेज हो जाएगा। गुड बॉल, डॉट बॉल। अदील शिकायत कर रहे हैं शायद वाइड बॉल था। पंद्रह ऊपर लेंगे थोड़ा सा। ये भाई पहले में आ गए 15 और अब जो बॉलर आए हैं लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और बैट्समैन भी हमारे लेफ्ट ही हैं, तो देखते हैं कैसा इनका कंपटीशन रहता है। ये पहला छक्का हसी का, पहला छक्का दूसरे ओवर। एक बॉल 6 रन, ओवर का स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया है फसी ने। अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारे रन बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये 2 रन, सही है सही है, अच्छा खेल रहा है फसी। शाबाश। 2 पे 8 आ गए। शाबाश। बहुत आला यार ये भाई, बहुत दूर गया। 3-14 रन तो बहुत अच्छे हो गए। पहले में 15, इसमें 14, सही है। दो और लेगा इसमें, दो और लेगा इसमें, लेके आ रहा है। 3 बॉल है, 14 रन। चौथा बॉल करेंगे बॉलर। ए वाइट खेल गया, वाइट था ये। सही सही है, 4-14, अच्छा खेल रहा है। शाबाश। पांचवा बॉल दूसरे ओवर का। गुड बॉल, सिंगल बनेगा भाई, सिंगल बना और अदील स्ट्राइक पे आ गया। जैसे पहले ओवर में 5 बॉल में 15 रन थे, इसमें भी 15 रन आ गए, 30 हो गया टोटल। लास्ट बॉल अदील खेलेगा दूसरे ओवर का। ये सिंगल बनेगा भाई। 16 15 31, 31 हो गए, सही है। तो सही है ग्राउंड के लिहाज से। हाँ ग्राउंड के लिहाज से कम है।
क्योंकि यार बात ये है ना कि दोनों प्लेयर्स काफी दिनों टाइम बाद खेले हैं ना ग्राउंड में डे में, वैसे भी हाँ कौन जीतेगा यार अभी तो मैच आधा भी नहीं हुआ है अभी दो में 31 है क्या कहेंगे दिल ब्लॉक के बारे में दिल भाई अच्छी बैटिंग कर रहा है अपने साथ नाइट और खेलते हैं लेकिन आज डे में हाँ डे में काफी टाइम बाद आया खेलने के साल बाद तकरीबन दो में हो गए 31-31 रन अच्छे हैं अगर दो में और 40 बन जाते तो बहुत अच्छे रन हो जाएंगे तीसरा ओवर स्टार्ट हो रहा है नो बॉल दो रन बनेंगे भाई बाहर के दो हैं तो इस तरह बगैर बॉल के तीन रन आ गए इस पे बगैर बॉल के तीन रन आ गए पहला ऑफिशियल बॉल करेंगे बॉलर वाइड बॉल वाइड बॉल सही है बगैर बॉल के चार हैं ये हमारी खड़ी हुई पूरी टीम कप्तान फैसल अहमद पहला बॉल ये सिंगल बिल्कुल सीधा फील्डर्स के हाथ में गया फील्डर का पहले चेक करना तेज पहला करना अब 20 रन एटलीस्ट इसमें होने चाहिए यार क्योंकि एक पे 5 दे दिए हैं इसने बिल्कुल ऐसे ही एक बॉल पे 5 रन आ गए ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेफ्टी में फील्ड सेट करने का बार बार दूसरा बॉल तीसरे ओवर का ये हो गया डबल बनेगा फंबल हुआ तीसरा भी बन कर लो भाई सही है अच्छा है कितना आ गए दो पे 8 आ गए मेरे ख्याल दो पे 8 आ गए दो बाउंड्री लगे मजा हाँ अदील ने बैट चेंज कर लिया अपना थोड़ा सा भारी लग रहा था शायद वो वाला दो पे 8 आ गए रन तो अच्छे आ गए इस ओवर में दो बाउंड्रीज अगर लगती हैं तो ये कि हमारे बॉलर्स को ठीक ठाक रन मिल जाएंगे तीसरा बॉल तीसरे ओवर का बहुत आला दिल गुड बैटिंग मेरी जान गुड बैटिंग बेटा बॉल लिया बहुत आला चेक करके अंदर आ गई 3-14 है 3-14 तीन पे आ गए 14 चौथा बॉल करेंगे बॉलर ये सिंगल दोनों बैट्समैनों ने अभी तक हमारे अच्छी बैटिंग की है डे के हिसाब से क्योंकि डे में बहुत कम खेलता है अदील तो खास तौर पे फसी फिर भी खेल लेता है और उस हिसाब से रन अच्छे हैं हमारे अभी तक हर ओवर में एटलीस्ट 15 रन हमने लिए हैं दो करने फसी भागो सही है ठीक है 5 पे आ गए मेरे ख्याल 17 आ गए फात कितना आ गए 17 या 18 आ गए पूछते हैं 17 आ गए मेरे हिसाब से सत्रह आ गए तो फिर हो गए 48 मेरे ख्याल से 48 हो गए अभी तक तो 48 हो गए हैं लास्ट बॉल बाकी है तीसरे ओवर का अगर छक्का लगता है तो 50+ हो जाएंगे ये हो गया 6 जैसा कि मैंने बोला था 6 लगता है तो 50+ हो जाएंगे और हो गए 54 हो गए 23 और इसमें भी अटलीस्ट 54 हो गए हाँ वालेकुम अस्सलाम हम तो हमारे ग्राउंड में आते हो मिलते नहीं हम लोग आते ही बहुत कम है
वालेकुम अस्सलाम 54 हो गया दिन बच्चों का प्यार है ये फैंस हैं यार 54 भाई 54 हो गए 3 ओवर्स में और कप्तान का हमारे कहना ये था कि तकरीबन 70-75 करो तो अगर इसमें 20 रन बनते हैं तो बहुत अच्छा है 20 रन बन जाते हैं तो 75 का उनका टारगेट पूरा हो जाएगा और बॉलर्स को हमारे अच्छे रन मिल जाएंगे डिफेंड करने के लिए। चौथा ओवर स्टार्ट हो रहा है वाइड बॉल पहला बॉल वाइड हुआ है बगैर बॉल के एक रन आ गया इसमें फिर वाइड दोनों बैट्समैनों ने हमारे अभी तक बहुत अच्छी बैटिंग की मारोगे तुम इसमें शाबाश तो ये बल्ले पे अच्छा आ रहा है तेरे लग जाएंगे 2-3 इसमें ये बात बहुत आला एक बॉल 8 रन एक पे आ गए 8 मेरे पीछे कीपर बहुत शोर कर रहा है भाई बहुत आला यार एक्सेलेंट शॉट यार एक्सेलेंट शॉट शॉट ऑफ द डे इस शॉट पे तो सब्सक्राइब बनता है शेयर बनता है लाइक बनता है दो बॉले 14 रन दो बॉलों पे 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस और ये तीसरा छक्का भाई क्या बात है दिल तीन बॉलों पे 3 बैक-टू-बैक छक्के क्या बात है 3 बॉलों पे आ गए 20 रन तो 75 तो ऐसे ही हो गए 74 चौथा बॉल ओए क्या बात है भाई 4 बॉलों पे 4 छक्के 4 बॉलों पे 4 छक्के रन आ गए 26 क्या बात अरे ये बॉल बैठ गया लास्ट ओवर का लास्ट बॉल खेलने के लिए अहमद आया 26 इसमें आ गए बड़ी अच्छी बैटिंग की है दीप ने देखते हैं कि लास्ट बॉल पे क्या होता है ये छक्के की वाइब आ रही है अरे अहमद हो गए अब नहीं सिंगल बनेगा 2 रन और ये तीसरा रन भाई 4 रन बन गए भाई इस पे 4 बने 4 गुड्डू कितने रन है अहमद 85 रन पर अच्छा खासा हो गया हम लोग यही चाह रहे थे अच्छी बैटिंग हो रन और वही हो गए 85 अब बॉलर्स के ऊपर है सारा और क्रिकेट हाई प्रोफाइल है यहाँ पे 85 रन चाहिए होना इट्स नॉट अ बिग डील और सामने प्लेयर भी अच्छे हैं अजीम है जॉन्डी है चलो अच्छा स्कोर हो गया ये एक अच्छा मैच होगा तो गाइस 85 रन का टारगेट दिया है हमने 24 बॉल्स पे और अब्बास बहादुर और अजीम भाई आए अच्छे बैट्समैन है देखते हैं ये रन चेज होते हैं हम मैच जीतते चले भाई यहाँ से मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है और वो काफ़ी तेज़ बोलते तो मैं इसलिए इस साइड से बना रहा हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो चलिए भाई 85 रन का टारगेट है और मैच स्टार्ट होता है और पहला बॉल गया सिंगल के लिए अजीम भाई करेंगे स्ट्राइक लेफ्टी है अच्छे बैट्समैन है देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है इसका लेवल अच्छा है 18,000 रुपये विनिंग है
3000 रुपये एंट्री है। और बहुत से लोग बोले थे भाई कमेंट रेट करा करें, तो भाई हम बैटिंग के बाद आज करने आ गए। ज़्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी भी सांस फुली हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे क्योंकि बाबू कीपर है। फैसल करेंगे दूसरा बॉल अजीम भाई को, और ये दुग्गी ग्राउंड से बाहर जाने के 2 रन है। दुग्गी रन है फैसल की जानिब से, 2 बॉलों पर 3 रन, अभी काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है ओवर का। विकेट बड़ा है, बाउंड्री नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये जो 85 रन है इतना आसान नहीं होगा बचाना, क्योंकि अगर 100 होते तो फिर रिलैक्स हो सकते हैं, रिलैक्स नहीं हो रहा है। 2 बॉलें 3 रन, फैसल करेगा अपना तीसरा बॉल, और अच्छा बॉल, और दुखी 3 बॉलों पर 5 रन आ चुकी है। फैसल ने अभी तक ऊपर ट्रैप किया हुआ है अजीम भाई को, 3 बॉलें 5 रन। चौथा बॉल फेस करेंगे अजीम भाई, और अच्छा बॉल, और फिर दुखी 4 बॉलें 7 रन। फैसल अभी तक बहुत अच्छा ओवर करते हुए, अगर बाउंड्री कंसीड नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा ओवर हो जाएगा इनका, मैच विनिंग ओवर। अच्छा टूर्नामेंट है, ब्रॉडकास्टर भी बैठे हुए हैं साथ साथ, टीमें भी अच्छी अच्छी हैं, बाकी देखते हैं कि फैसल अपना 5वां बॉल कैसे करते हैं। एक और अच्छा बॉल और ये कैच हो सकता है, आउट हो गया भाई, फैसल विकेट ले उड़े अजीम भाई की, और अजीम भाई रवाना अपनी बेंच की जानिब। 5 बॉलें 7 रन, ये बैट्समैन आ गए हैं, 5 बॉलें 7 रन है, फेस करेंगे फैसल के ओवर का आखिरी बॉल, और आते के साथ ही 6 रन, तो इस तरह 13 रन आ चुके हैं कवर में, और पीछे बचते हैं 72 रन। तो यार पहले ओवर में आ चुके हैं 13 रन, और 13 निकालेंगे 85 में तो पीछे बचते हैं 72 रन, और अगर एवरेज देखें तो तकरीबन 24 रन का एवरेज है, बाकी देखते हैं 3 ओवर में 24 रन के एवरेज से रन बनाते नहीं बताते, बैट्समैन बहादुर अच्छे हैं, बाकी लेट्स सी क्या होता है। फहद आ गए हैं दूसरा ओवर करने के लिए, और फेस करेंगे बहादुर, अब्बास बहादुर, अच्छे बैट्समैन हैं, हाई प्रोफाइल क्रिकेट खेले हैं, और सामने फहद इन फॉर्म है, 72 रन है 3 ओवर में, देखते हैं कैसे बनते हैं। फैसल तो मैच ओवर कर गए हैं, 13 रन का ओवर 85 रन के टारगेट में इज़ अ बिग डील, वो भी आखिरी बॉल पे छक्का लगा है। फहद करेंगे अपना पहला बॉल, और ये स्ट्रगल करते हुए स्टेप पे चलें भाई, पहले बॉल पे ही बोल्ड मार दिया फहद ने, इतना खास बॉल नहीं था, लेकिन अब्बास पहले खेल गए, अब्बास भी आउट। नए बैट्समैन जॉन्टी आ गए विकेट पे, और लोगों ने बताया इनका नाम जॉन्टी है। बात करेगा अपना दूसरा बॉल, और आते के साथ ही 6, आते के साथ ही छक्का, 2 बॉलें 6 रन, 2 बॉलों पे 6 रन आए। फहद करेंगे तीसरा बॉल जॉन्टी को, वाइड बॉल, फहद का बॉल नहीं पहुँच रहा है जिस तरह पहुँचना चाहिए, 2 बॉलें 7 रन, फहद करेगा तीसरा बॉल, 2 बॉल तो नहीं है भाई, ये फुल टॉस था, 3 बॉलें 9 रन, 3 बॉलें 9 रन, फहद करेगा चौथा बॉल, और ये 6 हो गया भाई, 6 हो गया। अंपायर और इनकी जानिब से बड्डा चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, वहाँ से भी इनकी टीम चिल्ला रही है भाई। अंपायर की जानिब से 9 बॉल दी गई है, वो कह रहे हैं मुझे फर्स्ट पे चेक नहीं हुई थी, तो 3 पे 15 है। ये अच्छा बॉल फहद का, फहद का अच्छा बॉल, तो अब 4 पे 15 हो गए। फहद अगर इन 2 बॉलों पे कोई बाउंड्री कंसीड नहीं करते तो मैच बिल्कुल समअप हो जाएगा, अगर करते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 4 बॉलें 15 रन, ये अच्छा सिलोवन था, ये वाइड दे दिया, तो अब हो गए 4 पे 16, 4 बॉलें 16। एक और अच्छा शॉट है, और अच्छा शॉट है, 22 आ गए हैं टोटल, और 72 में से 22 निकालेंगे तो अभी भी 50 रन बाकी हैं 2 ओवर। और जिस तरह मैंने आपको बोला था कि ये ग्राउंड जो है ना ऑकलैंड, ये ग्रेवयार्ड है बॉलर्स का, यहाँ 100 रन भी हो तो बॉलर्स को लगते हैं। 5 बॉलें 22 रन, फहद करेंगे अपना आखिरी बॉल, बचाते हैं तो अच्छा है, नहीं बचाते तो थोड़ी मुश्किलात होंगी हमारे लिए। पीछे साथ ही अच्छा बॉलर है, और एक और बॉलर बहुत अच्छा है जिसका नाम है भी मैं बताता हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे, ये अच्छा बॉल, और ये डॉट है, तो 2 में अब 50 रह गए। पहले में आए थे 13, दूसरे में आए 22, 35 हो गए, 85 में से 35 निकाले, बचते हैं 50 रन, 12 बॉलर। जुनेद जुनी आए बॉलिंग पे, सादी को आई डोंट नो ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं कप्तान, जबकि हम लोग सादी को दूसरा ओवर करवाते हैं, लेकिन कप्तान की स्टडी अलग है, टीम अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है,
तो यहाँ पे अभी तक सादी को ओवर नहीं दिया है, जो कि हैरत अंगेज बात है। जुनेद आ चुके हैं तीसरे ओवर के लिए, देखते हैं कैसा गेंद करेंगे। अच्छा बॉल अहमद गुड्डू की जानिब से, अच्छी फील्ड स्ट्रेट पे, जस्ट अ सिंगल। जॉन्टी फिर आ गए जिन्होंने मैच में थोड़ी सी जान डाली, लेकिन 11 बॉलों पे 49 रन का पहाड़ इनको अभी भी चढ़ना है, क्योंकि 11 बॉलों पे तकरीबन 8 छक्के दरकार हैं। और जॉन्टी ये बना सकते हैं या नहीं आपको पता चल जाएगा। जुनेद करेंगे दूसरा गेंद, अच्छा बॉल लेकिन सही कनेक्ट नहीं हुआ, सादी की तरफ बॉल गई, एक रन। दो गेंदे पे 2 रन, और ये बाबू धूप खाते हुए। आज मैंने भी बहुत धूप खा ली है, वैसे अम्मी से डांट पिटेगी, वैसे ही काला हूँ और काला हो गया मैं। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कितनी फौज खड़ी हुई है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये 2 बॉले 2 रन है, तीसरा करेगा जुनेद गेंद, और अच्छा बोलो, हो क्या शॉट है यार, 10 out of 10, बहुत गुड शॉट मारा है। अगर इनका नाम आके बैठो पीछे लिखा हुआ, क्या कहते हैं आप लोग, मैच इंटरेस्टिंग होगा, कौन जीतेगा? हम जीतेंगे, हो सकता है, क्या हो सकता है? अच्छा अच्छा, मैच तो हो ही रहा है, उसके अलावा क्या हो रहा है? क्या कहते हो, हम जीतेंगे या हारेंगे? ये यार ये मोहब्बत है तुम लोगों की, तुम लोग ये दुआएं तो फिर कैसे हार सकते हैं? अगर हार गए तो इसका मतलब तुम लोग नहा के नहीं आए। 3 बॉल है, 8 रन, वाइड बॉल, बाबू ने पिछली गली में जाके बॉल पकड़ी। 3 बॉले 9 रन, पीछे बची हैं 9 बॉलों पे 41 रन। आखिरी ओवर के लिए हमारे पास मौजूद हैं 7 सादी, वो खड़े हुए परेशान हैं कि भाई मैं तो पहला ओवर करता हूँ, मुझे चौथा ओवर क्यों दे रहे हो? कप्तान की टीम है, कप्तान की स्ट्रेटजीज, हम कौन होते हैं बोलने वाले? ये एक और शॉट यार, बहुत अच्छा शॉट यार, इस बॉय ने जान मारी है, मैच में अपनी टीम को लेकर आए, वहाँ बैठी हुई इनकी टीम इनको सपोर्ट करते हुए। और देखते हैं आप, 34 रह गए हैं 8 बॉलों पे 34 रन, आके बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं। एक और शॉट लेकिन अहमद गुड्डू की जानिब से एक्स्ट्रा फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग। अब बचते हैं 7 पे 33, अगर जॉन्टी यहाँ छक्का मारते तो पीछे बचेंगे 27 रन, वो भी आसान नहीं होते एक ओवर में। 7 पे 33, अच्छा बॉल लेकिन जॉन्टी से कनेक्ट नहीं हुआ, वहाँ बाबू बहुत दूर भाग गए हैं। बाबू का 2 किलो, कप्तान की जानी बॉल, एक ओवर में रह गए हैं 32 रन। क्या कहते हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, एक बॉल मिस हो गई तो पैकअप हो गया फिर है। तुम लोग बड़े खुश नसीब हो यार, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्लॉग में भी आ गए, जबकि मेरा आज कोई बनाने का मूड नहीं था, पता आप लोगों, मैं सिर्फ जिम में मोबाइल रखकर आता हूँ। कप्तान ने बोला यार अच्छा टूर्नामेंट है बना लो, मैंने बना लेते। बैटिंग कैसी लगी मेरी? अच्छी लगी, थैंक यू यार, शुक्रिया यार। वो जो भाई खड़े हुए ना पर्पल शर्ट में, वो खड़े हुए अभी हटेंगे, ये वो फारूक भाई बोल रहे थे पहली बॉल पे आउट होता है ये। और जब मैंने बोला, आपने सुना था ना, और जब मैंने बोला कि फारूक भाई आप तो बोले पहली बॉल पे आउट होता हूँ, कह रहे मैंने कब बोला, ये भी होता है। फारूक भाई को आज फारूक भाई की बोलती बंद हो गई आज, ये सब अल्लाह के ऊपर होता है कि अल्लाह पाक ने परफॉर्म करा। चले भाई सादी आ चुके हैं, पीछे बचते हैं 33 रन, वाइड बॉल, 32 रन दरकार। सादी करते हुए अपना पहला लीगल बॉल, पहले पे एक्स्ट्रा किया है, एक और वाइड और इस पे भी सिंगल, तो बगैर बॉलों के 2 रन दे चुके हैं, 29 रह गए भाई अभी, फिर वाइट, अब रह गए हैं 28 रन, 6 पे 28। अगर ये बॉय रन बनाता है तो ये डिज़र्व करता है थंबनेल पे आना, क्योंकि ये ही है जो मैच हमसे लेके जा सकता है। लेकिन सादी अच्छा बॉलर है, सादी देखते हैं कैसी गेंदे करता है, एक्स्ट्रा कर चुका है अभी तक। ये अच्छा शॉट मारा लेकिन जुनेद, चलो अच्छी फील्ड है, एक बॉल। फारूक भाई से पूछ, 1 पे 5 1 पे 4 है, सही है। जॉन्टी फिर आते हुए, जॉन्टी ने भी भरपूर बैटिंग करी है इस मैच में, जूते बांध रहे हैं अपने लेसिस, क्योंकि इनको पता है मैच बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये एक बॉल भी डॉट हुई तो मैच खत्म। तुम लोग दुआ करो ना यार। चलो गुड हो गया। ये भाई ये देखो बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और शादी ऑलमोस्ट मैच जीत गया हम 4-27 है ना। गुड हो गया यार। किसने बोला था ये? आपके साथ क्या बात है यार, तुम लोगों को फ्यूचर दिखता है यार। मेरा बता दो 1 मिलियन कब होंगे इंशाल्लाह। चले भाई ये बैट्समैन आ रहे हैं बड़े हंसते हुए, लग रहा है काफी दिनों के बाद बैटिंग आई है। आउट ना हो जाए वरना पीछे वाली म्यूजिक लगा देंगे। जो बोला वो हो गया। चले भाई मैच खत्म, मैच खत्म, हम ऑलमोस्ट जीत गए। चलो भाई अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। हाँ मैं जा रहा हूँ। क्या सीन है, अब हम जीत गए वाला मैच। अगले मैच की ओपनिंग ये कप्तान मैंने अर्न करी है, अर्न करी। शॉट आदिल का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन पति ने भी अच्छी बैटिंग करी। एक बार क्लैपिंग हो जाए फसी के लिए, हमारे बॉलर के लिए भी क्लैपिंग हो जाए। कप्तान सरताज के लिए, सरताज यार मेरे सरताज है ये। माशाल्लाह बहुत ही स्लो में देख कप्तान, वो भी कोई कौन से बताइए सर, माधुरी वाला। चलो यार गुड हो गया। कप्तान क्या कहना चाहते हैं जीत पे हमारे? भाई अल्लाह से अच्छी जीत है, लेकिन अभी कंटिन्यू खेलो, जीतने पे जाओ और बैटिंग करो। हां इस ग्राउंड में रन, भाई मैंने पहले ही कहा था आपको कि इस ग्राउंड में रन लगते हैं हर मैच में, बस ये रन से जी सकते हो। कितने रन करो? 100 रन से कम नहीं करना यार। कहाँ से लेकर आए? अच्छी साइड को हरा दिया, अब ये वहाँ पे अच्छी साइड थी, अब ये अब हमें जिस जिस टीम में हमारा मैच हो उसमें हमें जान मार के खेलना। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोग पहला राउंड का मैच जीते हैं। आई थिंक लीग वाइज ये टूर्नामेंट है और हम सेमीफाइनल पहुंच गए। सेमीफाइनल किस टीम से पड़ता है देखा जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।